गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू कर दी गई है। निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग कराई जाएगी। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर पूरी व्यवस्था की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि मतदाता सूची में आई शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है, जिससे पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके। उन्होंने वोटरों से अपील किया है कि गलत तरीके से या किसी भी प्रलोभन में आकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास ना करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, आज राज्य चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है और जो गोरखपुर का चुनाव है पंचायत का, वो पहले चरण में ही है, 15 अप्रैल को है। नामांकन 3-4 को भरे जाएंगे और जो इसकी प्रक्रिया है पूरे एक ही दिन में हमें पूरी करनी है, चुनाव की एक ही फेज में होना है। और जो मतगणना है वो हमारी 2 मई को होगी और वो उसके इसके चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक कराने के लिए आज सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की लिस्ट भी डीएम साहब द्वारा जारी कर दी गई है। इसके अलावा जो चुनाव में कर्मचारी लगे हैं उनकी ट्रेनिंग जो है दीक्षा हॉल में गोरखपुर में जो दीनदयाल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर करवाई जा रही है और पूरी हम लोग तैयार हैं, अच्छा निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे। सर, गाँव में बूथों पे चुनाव होता है और इस बूथों पे क्या तैयारियाँ हैं? बूथों पे जो बेसिक अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ है वो एक एक बार हमने अपने वीडियोस के द्वारा चेक करा लिए। जहाँ भी सेक्टर मजिस्ट्रेट या जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि कोई कमी है उसको पूर्ण कराया जा रहा है। सचिव को आज भी सुबह निर्देश दिए गए इसके लिए। इसके अलावा जो आचार संहिता है उसका आज से लागू हो चुकी है, उसका अनुपालन जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी करना है और जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी है उसको सुनिश्चित करना। सर, अक्सर देखा है मतदाता सूची को लेकर गांव में कुछ मतदाता सूची के लिए जो मतदाता सूची को लेकर जितने भी हमारे पास शिकायतें आई थी वो सारी की सारी दोनों उसका निस्तारण किया गया है, अगर पक्षों को सुन के निस्तारण किया गया तो इसलिए अब कोई उसमें कोई विवाद रहने की कोई गुंजाइश नहीं। सर, जो चुनाव हो रहा है इस बार तो 4 पदों पर चुनाव हो रहा है, मतपेटियाँ हमारे मतपत्र 4 मतपत्र होंगे, तो टाइमिंग क्या होगी? सारे एक ही टाइम पे होंगे और जो पेटियां होगी एक ही पेटी होगी, उसी में डाले जाएंगे चारों के चारों। और टाइमिंग जो है जैसे जैसे अभी दिशा निर्देश आएंगे निर्वाचन आयोग के तो उसी हिसाब से सब आपको सूचित कर दिया जाएगा कि कब से कब तक चुनाव होना है उस पर्टिकुलर दिन में। जो नॉर्मल टाइम था वो उसके अलावा अगर कुछ चेंज होगा तो बता दिया। सर, जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या प्रत्याशी बनेंगे तो उनसे कुछ कहना चाहेंगे? यही है कि निष्पक्ष चुनाव है और किसी भी तरह का कोई गलत तरीका ना अपनाए, प्रभाव गलत तरीके से जो वोटर्स हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश ना करें और एक निष्पक्ष चुनाव के लिए सब लोग सहयोग करें।